बाद रोड बहुत ही खराब है और हमारे उस्ताद जी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और पीछे वाले को भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी हमें। तो चलिए देखते हैं कितना इंटरटेनमेंट होता है। गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग रिलैक्स कर चुके हैं। अब चलिए आगे का रास्ता हम लोग तय करते हैं और हमारा गाड़ी निकल चुका है। देख सकते हैं कितना चढ़ान है ऊपर, एक हमारे भाई चल चुके हैं आगे और देखते हैं अब किस तरह से हमारा गाड़ी आगे चढ़ेंगे। हम तो उतर चुके हैं गाड़ी से सब कोई और देख सकते हैं पीछे, तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे जगह बना के जाए आराम से। देख सकते हैं निकल नहीं पा रहा है गाड़ी, फंस रहा है क्योंकि रेत ही रेत है रोड में, इसलिए गाड़ी चहक नहीं पा रहा है, धीरे धीरे चहक ही रहा है। तो देख सकते हैं इधर से नज़ारा, अभी और ऊपर चाहते हैं फिर दिखाते हैं आपको, पूरा थक गए हम, यहाँ से रोड दिखाते हैं आपको कितना ऊपर हम ऊपर आए। देख सकते हैं इधर से पूरा नीचे तक और इधर नज़ारा भी, और इधर हमारे फ्रेंड लोग बात करते हुए। चलिए चलते हैं, पूरा गाड़ी से सेंट आ चुका है क्लच प्लेट जलने का, हाफ क्लच का बहुत यूज किया, और इधर से भी देख सकते हैं नज़ारा।
बरसात के दिन में तो इधर बहुत दिक्कत लगता होगा जो इस गांव में रहते हैं चावल करने के लिए, क्योंकि जीने खाने के लिए तो आदमी को राशन पानी की ज़रूरत होती रहती है। राशन पानी के लिए उस जगह पे जाना पड़ता है। देख सकते हैं रोड यहाँ फिर से उतरना पड़ता है। गाइस यहाँ से सीन देख सकते हैं, पूरा मस्त नज़ारा दिख रहा है, पूरा घर सब दिख रहा है। अब हम लोग बहुत कम से कम 60-70 फीट ऊपर आ चुके हैं या फिर उससे भी ज़्यादा। लतार का है बना
तो गाइस बच ही गए हैं, देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं सही में पहुंच गए हैं या फिर और दूर जाना है और भी आगे। कैसी है देखो तो वहाँ चश्मा है का। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल भी है और लोग आ रहे हैं, देखते हैं किस तरह से वो लोग ऊपर जाते हैं। अबे गाड़ियाँ झरना तो बाय अपनी पहुंच गए हैं हम लोग। इधर ट्रैक्टर भी लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, देखो डीजे, तुम लोग बोल रहा था कौन डीजे नहीं लगा है देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बैठने के लिए, चलिए ले जाएंगे ना। तो देख सकते हैं हमारा नाश्ता सबके हाथ में दिखेगा और अब हम जा रहे हैं इसे खाने। तो हम लोग जा रहे हैं अब नाश्ता वास्ता खाने के बाद कहीं घूमने, क्योंकि बैठा बैठा वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचे कि चलो अब चलते हैं देखते हैं इधर का नज़ारा। और देख सकते हैं पहाड़ से और भी नज़ारा दिखेगा, यानी कि नीचे तरफ जितना घर है पहाड़ का नीचे सब हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये थोड़ा रास्ता गलत रास्ता में आ गए थे तो हम लोग रिटर्न होते हैं। चलिए इधर से तो गाइस हम लोग गांव की तरफ आ चुके हैं और देख सकते हैं पूरा पहाड़ में हमारा ट्रैक्टर महिंद्रा 475 दिया जा चुका है ऊपर, और देख सकते हैं इसके ऊपर जाने का। चलिए ट्रैक्टर ड्राइवर कौन है जी, थोड़ा बोला उसका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, किसी गाड़ी चला लिया है।
तो देख सकते हैं भाई लोग यहाँ पहले से ही बैठे हुए चट्टान में, पूरा हवा ले रहे हैं, हवा का मजा। बोल रहे हैं कि पूछ पूछ के आए। तो गाइस हम लोग पहाड़ तो घूम नहीं पाए, मगर यहाँ आए, एक फल के पेड़ फल दिखा हमें, जंगली फल। तो चलिए चलते हैं और इसे तोड़ के खा के देखते हैं। देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, और आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए इसका फल मस्त है, सुखल सुखल है, लेकिन ऊपर में लगा। तोड़ के देखते हैं और खा के देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, रात को नहीं जाना है, रात को नहीं। और इसे हम तोड़ के खा के दिखाते हैं आपको। और देख सकते हैं हमारे भाई लोग भी आ गए हैं हमारे साथ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है, इधर उधर से हमको भी देना छिटा, और इधर से इधर आते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का भौजी, भौजी को अपना रीति रिवाज के तौर पे उसको पहना रहे हैं छक्का, जो एक ही साथ हो रहा है। यहाँ बहुत धूप है, इसीलिए ठीक से बैठे रहे हैं। और देख सकते हैं अंदर भी, और इधर भी कुछ कुछ छुपे हुए हैं, तो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इधर का काम खत्म हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या हो रहा। आगे का लोग से भी मिलते हैं और भेंट मुलाकात करते हैं। तो इधर भी देख सकते हैं, इधर भी है, हमारे रिलेशन में ही होंगे। और इधर भी देख सकते हैं, चलिए आगे बाद में बात करेंगे। मजबूरी, और इधर
गाग में पेदा गाग में जे तो के पेदा